हेलो दोस्तों, लैपटॉप रिपेयर एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सीपीयू को कैसे कंफर्म करें कि हमारा सीपीयू शॉर्ट तो नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज पर रखना है और बीप रेंज पर रखने के बाद सारी कॉइलों को आपको चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। तो यहाँ पे हमारी कई कॉइल्स दी हुई हैं, तो एक जो ब्लैक वाली प्रोब होती है उसको ग्राउंड कर लें, ठीक है। इसको ग्राउंड करने के बाद बारी बारी से सारी कॉइलें चेक करें। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल को चेक करूँगा, ये कॉइल बीप नहीं कर रही, मल्टीमीटर बीप कर रहा है हमारा प्रॉपरली ग्राउंड से, ये बीप नहीं कर रही। ये जहाँ तक है हमारी चार्जिंग की कॉइल है, यहाँ पे दो मॉस्फेट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ये हमारी चार्जिंग की कॉइल है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये 19 वोल्ट की कॉइल लग रही है मुझे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारी दो कॉइल लगी हुई हैं, अब दो कॉइल हैं, ठीक है। यहाँ पे दो मॉस्फेट भी दूँ हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, यानी कि यहाँ पे पावर आईसी है, और जहाँ पे आपको चार मॉस्फेट लगे हैं वहाँ पे हमारा 3-5 का सिस्टम आ जाता है। तो ये 3-5 की कॉइल है हमारी दोनों, तो पारी बारी से इनको भी देखते हैं कि ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रही। ये कॉइल नहीं बीप कर रही, ना ही वैल्यू दिखा रही है, यानी कि ये कॉइल जो हमारी बिल्कुल ठीक है। दूसरी कॉइल चेक करते हैं, दूसरी कॉइल भी ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, कोई बीप नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टेप डाउन सेक्शन में कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉइल पे, इस कॉइल पे बात करते हैं। तो ये हमारी है रैम की कॉइल, तो ये कॉइल भी ग्राउंड से बीप नहीं कर रही। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये रैम की कॉइल है कि नहीं, तो इसकी 72 नंबर पिन पे चेक कराता हूँ। बात 76 नंबर पिन पे देखिए, ये 00 वैल्यू दिखा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर है। ये हमारी रैम की कॉइल है और ये हमारी ग्राउंड से भी नहीं कर रही, यानी कि ये कॉइल भी हमारी बिल्कुल हेल्दी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये PCH की कॉइल है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि कह सकते हैं ये कॉइल भी हमारी बिल्कुल हेल्दी है, ये भी बिल्कुल बीप नहीं दिखा रही। अब आगे बढ़ते हैं, बायस पे भी आपको चेक करा देता हूँ, कोई बीप नहीं है, ठीक है। अब ये कॉइल बची लास्ट कॉइल है, ये इसको देखते हैं, 59 ओम्स दिखा रही है, यानी कि ये कॉइल भी ओके है हमारी। क्योंकि अगर ये कॉइल अगर बीप करती और बीप करते समय ये 3 ओम से नीचे जाती है, 3 या 4 ओम से नीचे जाती है, तो हम कह सकते हैं सीपी शॉर्ट है। लेकिन किसी किसी बोर्ड में जाती है 3 या 4 ओम से नीचे, यहाँ तो बिल्कुल हेल्दी है। सिम मार लो। तो मैंने ये दूसरा बोर्ड लिया है, ये SP का बोर्ड है, तो इसमें भी आपको चेक कराता हूँ कि कहीं इसमें CPU शॉर्ट तो नहीं है। तो इसमें ये वाली कॉइल 3-5 की हैं, ये दिखाता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है, ना ही बीप है, यानी कि ये कॉइल हेल्दी है, दोनों कॉइलें बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं रैम की कॉइल है, ये कॉइल भी ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉइल पे, ये जहाँ तक है PCH की कॉइल है, बिल्कुल ये भी ठीक है, इस कॉइल ये कॉइल भी ठीक है। अभी आ गई कोर की कॉइल, कोर की कॉइल आ गई, ठीक है, हमारे CPU की कॉइल है। CPU कॉइल को देखते हैं दोस्तों, देखिए वैल्यू 7.3 ओम, यानी कि हम कह सकते हैं ये कॉइल भी हमारी हेल्दी है, क्योंकि ये 5 ओम से ऊपर है। ये कॉइल भी मतलब सारी कॉइलें एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, 7.3, यहाँ पे 9 ओम, ये दोनों कॉइल अलग है, ये तीनों कॉइल अलग है, 9 ओम, यानी कि ये कॉइल भी हमारी ठीक है, यानी कि इसका CPU शॉर्ट नहीं है, कह सकते हैं हम बिल्कुल ओके है इसका CPU। अब बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की, ये हमारा डेल का बोर्ड है, तो इसमें भी आपको दिखाता हूँ मैं कि कहीं इसमें भी कहीं CPU शॉर्ट तो नहीं। वैसे तो ये बोर्ड हमारा स्क्रैप का बोर्ड है, ये बोर्ड हेल्दी है, ये CPU की कॉइल है, ये भी ठीक है, 12 ओम दिखा रही है। ये हमारी ग्राफिक की कॉइल्स हैं, 0.2 ओम, दोस्तों देखिए 0.2 ओम, यानी कि हमारा ग्राफिक शॉर्ट है, हम क्लियरली कह सकते हैं हमारा ग्राफिक ख़राब है। ये CPU की कॉइल है 15 ओम, ये बिल्कुल हेल्दी कॉइल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 ओम, ये भी हमारी हेल्दी कॉइल है, ये चार्जिंग की कॉइल है। अब हमारी 3-5 की कॉइल, ये 3-5 की कॉइल यहाँ पे, ये भी ओके है,
ये भी ओके है, यानी 3 पास की कॉइल हमारी ओके है। और ये हमारी इधर रैम की कॉइल दी हुई है, सॉरी रैम की कॉइल शायद ये है, ये भी ओके है, दोनों कॉइल्स ओके है, यानी कि इसका सीपीयू बिल्कुल ओके है, इसकी जो ग्राफिक है वो शॉर्ट है। अब पता नहीं कौन सा बोर्ड है, देखते हैं क्या इसका सीपीयू शॉर्ट तो नहीं है। ये ओके है, बिल्कुल हेल्दी कॉइल है, ये भी ओके कॉइल है, बिल्कुल बीप नहीं कर रही, ये कॉइल भी बिल्कुल ओके है, सॉरी 1.3 ओम, यानी कि ये वाली कॉइल शॉर्ट है। और ये मेरे हिसाब से बंद कर दिया, ये हमारी शायद रैम की कॉइल है, अभी कंफर्म करते हैं। दोस्तों ये वाली रैम की कॉइल है, ये 3-5 की कॉइल है, जिसमें से हमारी एक कॉइल शॉर्ट है और डायरेक्ट ये सीपीयू पे जाती है। और बाकी की दिखा देता हूँ मैं आपको, कोर की कोर 0.0, यानी कि सीपीयू के जो कोर सप्लाई की, यानी कि सीपीयू प्रॉपर शॉर्ट है हम कह सकते हैं इसमें।